राज्य या केंद्र इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी औद्योगिक शराब पर कानून बनाने के लिए किसकी चलेगी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जस्टिस की संवैधानिक पीठ ने 8-1 के अनुपात से इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी औद्योगिक शराब पर केंद्र के अधिकार को खत्म कर दिया। एससी की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक शक्ति का अभाव है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने अपने 34 साल पुराने 7 जजों के फैसले को भी पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के 7 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ के सिंथेटिक्स और केमिकल्स मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया। 1990 में संवैधानिक पीठ ने केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया था। संवैधानिक पीठ की ओर से कहा गया कि राज्य समवर्ती लिस्ट के तहत भी औद्योगिक शराब को विनियमित करने का दावा नहीं कर सकते। बुधवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा, औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने के राज्यों के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन और सप्लाई को लेकर भी नियम बनाने का अधिकार है। फैसले में कहा गया कि उपभोक्ता इस्तेमाल में आने वाली शराब से जुड़ी कानूनी शक्ति राज्यों के पास है और इसी तरह राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के भी नियम का अधिकार होना चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस औद्योगिक अल्कोहल पर फैसला सुनाया है वो उपयोग में लाए जाने वाले अल्कोहल से अलग होता है। मुख्य रूप से अल्कोहल दो तरह की होती है। पहली, औद्योगिक अल्कोहल या आमतौर पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या विकृत अल्कोहल होती है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की केमिकल संरचना C3H8O होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक सेटिंग्स में सफाई और कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। दूसरी औद्योगिक अल्कोहल इथेनॉल यानी C2H5OH होती है, जिसका उपयोग अक्सर जहरीली शराब बनाने में किया जाता है। वहीं उपयोग की जाने लायक अल्कोहल ये मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल है, जिसको इथेनॉल भी कहते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता रहा। बियर, वाइन और स्प्रिट जैसे मादक पेय पदार्थों में इसी के घटक होते हैं। इथेनॉल खो खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन के माध्यम से बनाया जाता है। बहरहाल, औद्योगिक शराब पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जस्टिस की जिस संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है उसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, ASOKA, JB पारदीवाला, उज्जवल भुइया, मनोज मिश्रा, SC शर्मा और AG मसीह ने दिया। इस फैसले पर असहमति जताते हुए जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा कि केवल केंद्र के पास ही औद्योगिक शराब को विनियमित करने की विधायी शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को औद्योगिक शराब को लेकर राज्यों की बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।